देखो कितना बेवकूफ लग रहा है, कैसे कपड़े पहने हुए इसने। अरे वो देखो, आओ मीना हमारे साथ। बदतमीज बच्चों दफा हो जाओ। मालवी क्या हुआ? मालवी क्या बताऊं मीना, मेरे अब्बा कहते हैं अब मैं 18 साल की हो गई हूँ, इसलिए मेरी शादी हो जानी चाहिए। अच्छा किससे होगी तुम्हारी शादी? वो देखो वो लोग बाहर आए हुए हैं। अरे इन लोगों के यहाँ हो रही है तुम्हारी शादी? मीना मैं इस आदमी के बेटे से शादी नहीं करना चाहती, वो सिर्फ पैसे की बात करते हैं, उन्हें मुझसे कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम अपने माँ बाप से क्यों नहीं बात करती? लेकिन मैं अपनी शादी की बात अपने माँ बाप से कैसे कर सकती हूँ? और हम इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? हम तो बर्बाद हो जाएंगे। ओ मालवी रो मत, हमें जरूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। मैं अपनी अम्मा और दादी से बात करती हूँ। अब ज्यादा तो नहीं मांग रहे। सिर्फ बेटी के हिस्से की जमीन, टीवी, फ्रिज, वीसीआर ही तो मांग रहे हैं। मेरा भाई ठीक कह रहा है, वही मेरा बेटा जवान है, उस शहर में अच्छा भला काम कर रहा है। कितने खराब लोग हैं लालची कहीं के। मगर मैं इतना पैसा कहाँ से लाऊं? मेरा तो सब कुछ बिक जाएगा। अगर तुम जहेज का बंदोबस्त नहीं कर सकते तो हमारी तरफ से बात खत्म समझो, हमारे लिए लड़कियों की कमी नहीं है। लालची कहीं के। चुप बैठो। और उन्होंने खालू से कह दिया कि वो जमीन और चीजों का बंदोबस्त करें। लेकिन इतने पैसे वो लोग लाएंगे कहाँ से? आए हाय, हमारे जमाने में तो ऐसा नहीं होता था। हाँ, अब तो ज्यादा से ज्यादा जहेज देने का रिवाज हो गया है। कितनी गलत बात है। अम्मा क्या जहेज देना बहुत जरूरी है? नहीं बेटा बिल्कुल जरूरी नहीं है, फजूल किस्म का रिवाज है। मैं बड़ा होकर अपनी शादी के लिए जहेज नहीं लूंगा। शाबाश राजू, मुझे तुम पे नाज है। अल्लाह करे हमें मीना के लिए भी तुम जैसी सोच वाला दामाद मिल जाए। अब्बास सबको जहेज लेने और देने से इनकार कर देना चाहिए। तुम ठीक कहती हो मीना, अगर हर कोई जहेज देने और लेने से इनकार कर दे तो हम ये गलत रस्म खत्म भी कर सकते हैं। तो फिर सबको जहेज से इनकार। मिट्टू जाओ जाकर ये बात दुकानदार और उसके भाई को बता दो। लेकिन चाचा अगर उन लोगों ने इतना जहेज देने से इनकार कर दिया तो? भतीजे ऐसी बात सोचो भी नहीं, वो बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते, हम हर चीज जरूर लेंगे। बेवकूफ तोते, जहेज से भी कोई इनकार करता है। और ये लोग तो बड़े सीधे साधे से हैं, हम शादी के बाद इनसे मजीद जहेज का मुतालबा करेंगे। क्यों नहीं, हम पहले जमीन बाकी चीजें बाद में मांगेंगे। पहले जमीन बाकी चीजें बाद में। अरे ये तो मीना का तोता है, इसका वक्त को पकड़ो, ये हमारी सारी बातें उन्हें बता देगा। अरे भाई साहब आप किस चक्कर में पड़ गए, ये तो एक मामूली सा तोता है। तोता? मिठू क्या कह रहे थे वो लोग? मिठू दादी अम्मा इसका क्या मतलब हुआ? अच्छा तो ये बात है,
दरअसल ये लालची लोग शादी के बाद भी मुख्तलिफ चीजें मांगेंगे। कितनी बुरी बात है। चलो आओ मारवी को बताएं। मारवी, मारवी वो तुम्हें मालूम है? वो हाँ मीना, जल्दी बताओ क्या हुआ? वो लोग बहुत खराब हैं। वो शादी के बाद तुम्हारे वालिदैन से मजीद चीजें मांगेंगे। हैं? तुम्हें कैसे पता चला? मिट्टू ने बताया। नहीं नहीं, हर चीज की कोई हद होती है। मीना क्या हुआ? क्या बात है मारवी? मारवी जहेज की वजह से परेशान है। लेकिन क्यों? जहेज के बगैर शादी कौन करता है? जहेज के बगैर कोई शादी नहीं करता। मैं करूँगा बड़ा होकर। हाँ बेटा, काश सभी ऐसा करने लगे। मगर खाला और खालू आप मेरी बात तो सुने, वो लोग शादी के बाद मजीद चीजें मांगेंगे। क्या कहा? तुम्हें कैसे मालूम? मिट्ठू ने उनकी बातें सुनी है। ये नहीं हो सकता। मुझे उन लोगों की कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन अब हमें करना क्या चाहिए? आप रिश्ते से इनकार कर दें। हाँ ये ठीक है, हम उन्हें इनकार कर देते हैं। हाँ ये ठीक है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि हमें चाहिए कि हम दूसरों को भी इन लोगों के बारे में बताएं। चलो नंबरदार से बात करते हैं। तो जनाब, ये लालची लोग ना सिर्फ भारी जहेज का मुतालबा कर रहे हैं, बल्कि वो शादी के बाद मजीद चीजें मांगने का भी मंसूबा बना रहे हैं। कल जब वो आएंगे तो हम उन्हें इनकार कर देंगे। मैंने सुना है कि वो लोग घर घर रिश्ते के लिए लड़की तलाश करते फिर रहे हैं। उन्हें तो सिर्फ जहेज की गरज है। कोई भी इन लोगों को रिश्ता ना दे। बिल्कुल, सब गाँव वालों को ऐसा ही करना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने, हमें जहेज की लानत को खत्म करना चाहिए। हम इसकी इत्तेदा करेंगे। मैं इन्हें रिश्ता नहीं दूंगा। अगर कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए भाई, तो लड़की वालों के लिए जहेज से इनकार करना मुश्किल हो जाता है, और लोग अपनी बेटियों की खातिर जहेज देने पर मजबूर हो जाते हैं। यही तो सारी खराबी है। क्या हम सब मिलकर इस रस्म का खात्मा नहीं कर सकते? वाह, ये तोता तो बहुत अक्लमंद है। सिर्फ जहेज की खातिर शादी करना बहुत बुरी बात है। मैं तो अपनी शादी पर बिल्कुल जहेज नहीं लूंगा। मैं भी नहीं लूंगा। अम्मा, सबको जहेज से इनकार कर देना चाहिए। मुझे तुम पर फख्र है। जहेज लेना और देना दोनों ही गलत बातें हैं। ठीक है, हमें ये फैसला कर लेना चाहिए कि हम न जहेज देंगे और न लेंगे। तो तुम लोगों ने क्या फैसला किया? अगर आज जहेज की बात तय ना हुई तो हम ये रिश्ता खत्म कर देंगे। अब्बा आप बोल देना। आप ये रिश्ता खत्म ही समझें। हम जहेज बिल्कुल नहीं देंगे, समझे? ये सब क्या है? देखो तुम बेवकूफी कर रहे हो। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। जहेज के बगैर तुम्हारी बेटी से शादी कोई भी नहीं करेगा। देखी जाएगी, हमें कोई जल्दी नहीं। बात बहुत हो गई, छोड़ो इस रिश्ते को, हमारे लिए यहाँ कुछ नहीं है। देखा जाएगा। अरे हमारे लड़के के लिए हजार रिश्ते मौजूद हैं। चलो पहले वाले घर वापस चले, अब हम जहेज में कुछ कमी करके देखते हैं। मैं वापस जा रहा हूँ, ये कैसी फजूल जगह है। गुफ्तगू का नया प्रोग्राम सुनवाते हैं,
आज के प्रोग्राम का मौजू है जहेज एक लानत है। आज हमारे साथ कुछ